अलकनंदा अलकनंदा में फेमस टेम्पल बद्रीनाथ इज लोकेटेड देन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा सिस्टम जो नॉर्थवर्ड फ्लो हो रही है तो उसका नाम है सोन देन ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना तो जो राम गंगा है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं होगी सी ये जो गंगा है ना गंगा ऐसे ऊपर चल रही है और यमुना इसके पैरल में नीचे ऐसे चल रही है और ये रिवर्स मिलती है फिर अलाहाबाद प्रयागराज में तो यहाँ की जो रिवर्स आएगी ना वो यमुना में नहीं होगी वो सीधा गंगा की ट्रिब्यूटरी बनेगी और जो सेंट्रल इंडिया की रिवर्स इधर ऐसे कोई नॉर्थ जा रही है तो मोस्टली वो यमुना की बनेगी एक्सेप्ट सोन जो सोन डायरेक्ट गंगा में मिलती है किस जगह पर सोन रिवर गंगा में मिलती है आंसर ओके सो दीज आर द आंसर्स आज के सवाल हैं हु फाउंडेड द लिंगायत मूवमेंट लिंगायत मूवमेंट शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया 1945 में क्यों बुलाया गया था जॉबनी इज़ अ डांस फॉर्म ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ये किन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है सत्यम शिवम सुंदरम ये प्रिपेयर किया था फेमस पेंटिंग बाय हुम विद हुम वॉज द रेवतवारी सेटलमेंट मेड रेवतवारी सेटलमेंट किन के साथ अग्रीमेंट किया गया था सो ये पांच सवाल है आज के लिए आज की वोकैबलरी है वॉन्टन मतलब प्रचंड है और ऑफ क्रूअल और वायलेंट एक्शन है डेलिबरेट है अनप्रोवोक्ड है लेबरेंथ का मतलब होता है भूल भुलैया टाइप है दिस इज लाइक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है देन एसेटिज्म का मतलब होता है वैराग्य है सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन एंड अवॉइडेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस देन लॉयटर मतलब होता है टू मूव और एक्ट स्लोली देर करना डी फैक्टो डी फैक्टो मतलब वास्तव में जैसे डी फैक्टो और डी जूर होता है तो इंडिया का डी फैक्टो चीफ कौन है और डी जूर चीफ कौन है डी फैक्टो एंड डी जूर ओके सो ये वोकेबुलरी वर्ड है आज के लिए इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो ये सी सेट है रीड दिस कॉम्प्रिहेंशन केयरफुली एंड आंसर ये तीन सवाल है वन टू एंड थ्री

हमको उसका सिलेबस पता होना चाहिए सिलेबस के विदिन ही हम अपने आंसर को फ्रेम करते हैं हमें ऐसा लगता है कि जो सवाल आया है वो काफ़ी जनरलाइज्ड क्वेश्चन है बट आप जब उसको सिलेबस से लिंक करोगे तो वो जो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं प्लस वन प्लस टू हर सवाल में वो तब मिलते हैं जब आप अपने आंसर को सिलेबस के आसपास रखते हो सो बिफोर वी स्टार्ट दिस न्यू जर्नी ऑफ आंसर राइटिंग सबसे पहले हमको सिलेबस पता होना चाहिए तो आपको क्या करना है एक ए फोर साइज का पेपर लो और उसमें ये दो सवाल है आज हम कर रहे हैं प्रिपेयर अ नोट ऑन द सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज पेपर वन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम तो देखो जैसे ये सिलेबस है ना ऐसे आप ए फोर साइज का एक पेपर लो जीएस वन इसमें जितने भी कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे वन टू थ्री यहाँ पर है इसको अपनी हैंड राइटिंग से अपने हाथ से डिजिटल नोट्स की बात नहीं कर रहे हैं अपने हाथ से अपनी हैंडराइटिंग से ए फोर साइज के पेपर में इन तेरह के तेरह पॉइंट्स को आप लिखो ए फोर साइज में और बहुत अच्छे से स्पेस लेके लिखना ताकि एक्स्ट्रा उसमें कुछ इनपुट्स डालने हैं तो आप डाल सकते हो इफ़ यू वांट इसको अच्छे से स्पेस लेके आप लिखो थर्टीन के थर्टीन पॉइंट्स देन सिमिलरली आप जनरल स्टडीज पेपर टू के ये जो फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ट्वेंटी वन पॉइंट्स हैं इनको भी लिखो देखो ये बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज लग रही है बट ट्रस्ट दिस प्रोसेस आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो थर्ड मीन्स लिखने जा रहे हैं उनका मीन्स क्वालिफाई नहीं हुआ है आई आज आपने सिलेबस अच्छे से देखा है बहुत सारे जो की वर्ड्स हैं उन्होंने देखे ही नहीं है सिलेबस के बिगनिंग so सबसे पहले नंबर वन चीज होती है सिलेबस का यहाँ जो एक एक शब्द है इस एक एक शब्द को आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए एक एक शब्द आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए तो आप हिंदी में लिख रहे हो इंग्लिश में लिख रहे हो जस्ट सिलेबस एक बार आप अच्छे से लिखो सिलेबस लिखने के बाद मैं यहाँ पे वीडियो डालूंगा ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ दिस जून का ट्वेंटियत ऑफ जून का जैसे ये ट्वेंटियत ऑफ अप्रैल का वीडियो है यहाँ पे क्वेश्चन होगा आप जाना डिस्कस में जॉइन द डिस्कशन ज्वाइन द डिस्कशन एंड देन जॉइन द डिस्कशन एंड देन आप यहाँ पर अपना जो आंसर लिखा है उसका फोटोग्राफ क्लिक करना और ऐसे करके आप उसे वहाँ पे अपलोड कर देना जैसे इस दिन हमने साउथ चाइना सी पढ़ा था सी कितने अच्छे आंसर्स हैं यहाँ पे तो इस तरीके से आप पूरा सिलेबस अपने हाथ से लिखो और जनरल स्टडीज़ वन एंड टू बस बहुत सिंपल सा है बट एक बार लिखो जरूर और उसको यहाँ पे अपलोड कर दो दैट्स ऑल दिस इज़ अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज और ये सबको करना है बिकॉज मेन एग्जामिनेशन तो आज नहीं तो कल सबको लिखना ही है जितना जल्दी अपन इसको स्टार्ट करें फेमुलराइज हो जाए उतना ही बेहतर होगा सो दिस इज द न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट ऑफ दिस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर ट्वेंटी एथ ऑफ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जी एस पेपर वन एंड जी एस पेपर टू पॉजिटिवली आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है नाउ कमिंग टू योर कॉमेंट्स फॉर नाइनटीन ऑफ जून सो दीज आर योर कॉमेंट्स तो दिस इज न्यूज ब्रीफ सी अब जैसे यहां पर भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं सोन की ट्राइब्यूट्रीज दिस गंगा और ये सारी चीजें हो गई ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है बट रियल एग्जाम में जैसे इस बार भी आपने देखा ये एग्जाम ऐसा नहीं होता कि एग्जाम के पंद्रह दिन पहले सब पढ़ लिया और वही पूछ लिया जाएगा साल भर आपको ग्रेजुअल ग्रेजुअल चीजें पढ़ते रहना है एंड यू विल नेवर नो एडवर्टाइजमेंट से या फिर बुक से या फिर किसी इंफोग्राफिक से कौन से सवाल वहाँ से पिक हो जाएंगे सो दैट इज़ वाई आपको वाइड रेंज ऑफ नॉलेज होना चाहिए और एक सफिशेंट डेप्थ होना चाहिए रेंज एंड डेप्थ तो पार्टिसिपेट जब आप पार्टिसिपेट करोगे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा स्टडीज ऑन ट्रैक रहेगी वरना आफ्टर सम टाइम हम मोटिवेशन ड्रिवन होते हैं स्टडीज़ साइडवेज जाने लग जाती है सो ब्रिंग सम डिसिप्लिन डिसिप्लिन इज़ एनी डे बेटर देन मोटिवेशन सो दिस इज सी राहुल इज सो कंसिस्टेंट धवल राहुल राज सी ये सारे टर्म्स हैं इसी से एमसीक्यू बन जाएगा वेरी गुड राम नरेश सो कंसिस्टेंट साक्षी वेरी गुड विद टाइम स्टैम्प सी सारा साइक्लोन ये मेंस का सवाल है धवल साक्षी वेरी गुड राज धनाक्षी सी स्काई मीनिंग हमें पूरा उसका जो नीम कैसे होता है साइक्लोन्स का सब समझ में आ गया अभिषेक वेरी गुड एनसीईआरटी प्रेफर करना है एनसीईआरटी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है सी एनसीईआरटी बिकॉज यूपीएससी बिलीव्स इन एनसीईआरटी देन केसर वेरी गुड आरती दिस इज रियली गुड शिव वेरी गुड कोरल रीफ सिम्बायोटिक अजय सी सारे डेजर्ट जी इतना अच्छा कंपाइलेशन है वन स्टूडेंट सेट कि हमारे जो वीडियोज होते हैं उसके कमेंट सेक्शन भी इतने एनरिच्ड होते हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू कितना अच्छा कंपाइलेशन है सारे यहाँ पे सारे डेजर्ट्स आगे सी चंदन वेरी गुड निकिता दिस इज़ सो नाइस राज धवल अजय वेरी गुड साक्षी साहिल साहिल वेरी नाइस देन अजय गौतम पुष्पा जुडिशरी सी जनरल स्टडीज सब जगह सेम ही होता है तो अगर बेसिक थ्रशोल्ड हम क्रॉस करेंगे ना ये हर एरिया में आपको वर्क करेगा न्यूज़पेपर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो न्यूज़पेपर इज अ मस्ट देन यस आंसर राइटिंग हम स्टार्ट कर दिए हैं अंकुर ने हिंदी में लिखा नेहा साक्षी राम नरेश अफसाना थैंक यू पुलिस वेरीफिकेशन मैं आगे बताता हूँ देन वर्षा वेरी नाइस nice. अपूरव पुनीत समीर गौतम एंड दिस वेरी नाइस तो लेट एस नाउ बिगिन दिस द हिंदू न्यूज़ पेपर सो दिस इज़ जून ट्वेंटी एथ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑल राइट रिगार्डिंग द कोर्स तो आज हमारी क्लास वन होगी क्लास वन होगी मेन स्पेशल और इंडिविजुअल गाइडेंस दोनों कोर्स के लिए अभी बहुत मिसमैच हो गया है कि किस स्टूडेंट ने किस कोर्स में अप्लाई किया था मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ सेपरेट दिस एक्सल शीट है बट आज क्लास में मैं इन दोनों को क्लब कर दूंगा एक साथ ही दोनों बैचेस की क्लास होंगी ओके नाइन पी एम आई एल शेयर द लिंक अराउंड फिफ्टीन मिनट्स बिफोर द क्लास स्टार्ट ओके सो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं सी यू एट नाइन पी एम नाउ नाउ कमिंग टू द हिंदू सो फर्स्ट न्यूज इज सी सर्विस इज रूल आउट रोल बैक ऑफ अग्निपथ रिवील हायरिंग प्लान तो ये सारे चीफ जैसे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी साहब एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट तो ट्राइ सर्विस ने मीटिंग करके यहाँ क्लियर कर दिया है टर्मिंग अग्निपथ द ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप टू मेक द आर्मी यंगर सी एक और आगे जो एक इशू है जो रिफॉर्म्स हैं ये काफ़ी टाइम से अंडर करेंट्स चल रहे थे कि फौज में एक सी, एक सीसियर ओवरहॉल रिक्वायर्ड है द वे आज के डेट में वॉरफेयर चलता है क्योंकि फौज जो होती है उसका प्रिसीज़न होना बहुत ज़रूरी होता है उसके वर्क में तो ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप टू मेक द आर्मी यंगर सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ने यहाँ पे बताया और क्लैरिफाई किया कि रोल बैक ऑफ द स्कीम और जो अप्लाई कर रहे हैं दे डिड नॉट टेक पार्ट इन प्रोटेस्ट दैट ब्रोक आउट आफ्टर इट्स अनाउंसमेंट देर इज़ नो स्पेस फॉर इनडिसिप्लिन हम मिलिट्री को क्यों जानते हैं इतना बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन देर इज़ नो स्पेस फॉर इनडिसिप्लिन इन द आर्म फोर्सेज नो स्पेस फॉर आर्सन और वेंडलिजम किसी भी जगह किसी भी सोसाइटी में मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो ये आर्सन और वेंडलिज्म करते हैं उनकी जगह नहीं है नो स्पेस फॉर आर्सन एंड वेंडलिज्म

जैसे आप एस एस बी जाते हो आई नो एस एस बी मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ एस एस बी स्टूडेंट्स सम टाइम उसके लिए भी मैं विडियोज़ एंड नोट्स अभी प्रिपेयर करता हूँ बट हियर वॉट आई एम ट्राइंग टू से एस एस बी में भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट में यही चीज़ चेक की जाती है सो द पॉइंट इज़ जो डे वन में बोला था बहकावे में नहीं आना चाहिए बहकावे में नहीं आना चाहिए सेकेंड ये जो फोर्सेज हैं इनमें डिसिप्लिन इज़ रिक्वायर्ड और जो सिविल सर्विसेज भी है इसमें भी जैसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज एटसेट्रा पढ़ते हैं तो एनी टाइप ऑफ आर्सन एंड वेंडलिज्म का जगह नहीं है प्रोटेस्ट अलग चीज़ होती है आर्सन एंड वेंडलिज्म अलग चीज़ होता है जो प्रॉब्लम्स हैं जो क्वेश्चन हैं उनको विद इन द लॉ रह के भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उनको रेज कर सकते हो बट ये जो आर्सन एंड वेंडलिज्म है इसकी जगह नहीं है ओके okay? क्योंकि स्कीम फॉर्मुलेशन भी फ्लेक्सिबल होता है प्रोग्रेसिव होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद कंसल्टेशन उसमें चेंजेस आए जा सकते हैं बट सच टाइप ऑफ दिस आर्सन एंड वेंडलिज्म इज नॉट राइट दैट इज वाई जीएस फोर में भी हम क्या पढ़ते हैं एथिकल बिहेवियर एथिकल बिहेवियर जब ये बात थी कि एथिक्स को क्यों इंक्लूड किया गया जी एस फोर में तो आइडिया यही था कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं आप जी एस फोर के सब्जेक्ट को पढ़ो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे वैल्यूज़ इनकलकेट होगी आपके बिहेवियर में फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों बनाया गया था कि एक सेट टाइप ऑफ क्वालिटीज़ जो हैं एटलीस्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कंट्री एवरी इंडिविजुअल का होता है उसका एहसास हो पाए सो दिस इज़ देट दैन अग्निपथ ही सेट द एवरेज एज विल कम डाउन फ्राम थर्टी टू टू ट्वेंटी सिक्स यंगर फोर्स रह गई हमारी एज प्रोफाइल ऑफ मेजर आर्मीज वर्ल्ड वाइड स्ट्रेसिंग दैट फ्यूचर वॉर्स विल बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन हेंस ए यंगर प्रोफाइल इज रिक्वायर्ड क्योंकि जो फौज होती है ये लास्ट लास्ट डिफेंस होता है हमारा फौज हार गई मतलब कंट्री हार गया सो दैट इज वाई फौज में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है टेक्नोलॉजी और जो आज की डेट का जो वॉरफेयर है उसके अकॉर्डिंग मॉडर्नाइजेशन रिक्वायर्ड है तो दिस इज देयर अब पैंडमिक एक रीजन दिया है बाकी फौज को वापस रिवैम्प करने का द हैड बीन वेटिंग सिंस 1984 टू रिड्यूस द एज प्रोफ़ाइल ये आर्गुमेंट है तो जुलाई ट्वेंटी से ये सारे यहाँ पे दिस अनाउंसमेंट स्टार्ट होंगे सी सो so, दिस इज देयर सर्विसेज रूल आउट रोल बैक ऑफ अग्नि पथ सो दिस इज देयर देन डिस्टिंक्ट रैंक्स भी मिलेगा अग्निवीर दिस यहाँ पे पर्सनल जो इन्वॉल्व होंगे एनरोल होंगे उनका पीरियोडिक मेडिकल चेकअप एंड फिजिकल एंड रिटर्न टेस्ट वगैरह भी होगा सो कीपर टैब ये जो पॉलिसी है इसको डे वन में जब ये अनाउंस हुआ था उसी दिन मैंने बोला था इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगा इसमें इवोल्यूशन होगा इस पॉलिसी में वेट एंड वॉच और जो कंसर्न्स हैं उसको आप विद इन द लॉ रह के प्लेटफॉर्म के थ्रू विद इन द लॉ रह के अपनी वॉइस रेज करिए बट आरसन एंड दिस इज नॉट एट ऑल राइट दैन इंडिया गिव्स इमरजेंसी वीज़ाज फॉर हंड्रेड एंड एलेवन अफगान हिंदूज एंड सिक्स तो यहाँ पर है एक्चुअली इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है विच अदर कंट्री कैन क्लेम कि वो सेक्लर है हम सेक्युलर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो सच टाइप ऑफ दिस इज़ दैर दैन इंडिया हैज़ रियली हेल्प ड्यूरिंग द दिस क्राइसिस ये रानिल विक्रम सिंघे साहब ने कहा श्रीलंका श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर अब बीट इन पॉसिबली हिज टफेस्ट टास्क अब जैसे ये इंडिया है श्रीलंका है श्रीलंका में चाइनीज डेट एंगल और रॉन्ग पॉलिसीज मेजर रीज़न था कि ये एक डेट ट्रैप में और फिजिकल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ और रेवेन्यू नहीं बचा इनके पास इनके पास श्रीलंका मोस्ट ऑफ द एसेंशियल्स इंपोर्ट कराता है उसके पैसे नहीं बचे और फिर ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया इंडिया ने इमरजेंसी सप्लाईज दिया क्रेडिट लाइन प्रोवाइड किया फ्यूल फूड मेडिसिन एट्सट्रा और इसके लिए यहाँ पे अप्रिशिएट किया जा रहा है तो इंडिया में भी हम पढ़ते हैं ना एक होती है गुजराल डॉक्टर गुजराल डॉक्टर इन वॉट इज गुजराल डॉक्टर गुजराल डॉक्टर फाइव जी जो है फाइव जी के लिए एक्चुअली फाइव जी में कैप्टिव फाइव जी भी होगा प्राइवेट प्लेयर्स का भी होगा उसका क्लैरिटी आप ये एक एक्सीडेंट हो गया था स्पाइस जेट प्लेन इंजिन दिस बर्ड हिट देन ये फुलेरा गाँव है पॉपुलर जो अभी अमेजोन में एक सीरीज आ रही है तो दिस इज द वॉटर टैंक क्लोज टू द पंचायत ऑफिस तो दिस इज़ देयर एंड यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनोग्रेट किया प्रगति मैदान पे ट्रांज़िट कॉरिडोर इन दिल्ली तो एक्चुअली जो आईटीओ है यहाँ पर ट्रैफिक के लिए नोटोरियस है ये जगह यहाँ इतना ट्रैफिक जैम लगता है तो अब क्या होगा एक सेपरेट टनल बना दिया है 1.3 किलोमीटर का ट्रैफिक कंजेशन उससे कम होगा सिटी प्लानिंग अब जैसे ये न्यूज़ आया ना कि आई में यहाँ पर एक हमने नया इंटीग्रेटेड ट्रांज़िट कॉरिडोर बनाया अब आपको कहीं भी मौका मिलता है अर्बन प्लानिंग का अर्बन प्लानिंग में आप विद एग्जांपल लिख दो जैसे दिल्ली में रिसेंटली इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया गया अंडरग्राउंड टनल का इससे ट्रैफिक जैम ट्रैफिक का इशू सॉल्व हो गया अब जिसने नॉर्मल थ्योरी लिखा है और जिसने विद एग्ज़ाम्पल ये बात को बैक किया है जिसने एग्जाम्पल लिखा है उसको आधा एक नंबर ज़्यादा मिलेगा बताया आपने और ऐसे ही 20 सवाल में अगर आधा भी मिल रहा है, एक पेपर में दस चार पेपर में फोर्टी चालीस नंबर अप्रोच जो जीएस वन में ऑल जीएस पेपर में हम सीखने की कोशिश करेंगे Then, अब यहां पर बात है स्टूडेंट्स एंड द साइंस ऑफ फीडबैक फीडबैक ना बहुत जरूरी होता है और फीडबैक ओवर द टॉप नहीं होना चाहिए फीडबैक हमेशा सटल होता है फीडबैक हमेशा सटल होता है जैसे मैं भी जब बात करता हूँ वट आई ऑलवेज से टीचर को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो स्टूडेंट है वो अपनी ओरिजनैलिटी मेंटेन रखे और अपना बेस्ट वर्जन बने बेस्ट वर्जन ये नहीं कि वो आउटराइटली स्टूडेंट को एकदम औरिजनैलिटी चेंज हो गया और सबको रोबोट बनाने में लग गया नो no. आइडिया इज कि जो आप हो उसी का बेस्ट वर्जन कैसे बने और वो बेस्ट वर्जन यूपीएससी रिक्वायरमेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे हम फ्रेम कर लें दैट्स ऑल ओरिजिनलिटी हमेशा रिवॉर्ड की जाती है सो so, स्टूडेंट्स को भी जब फीडबैक दिया जाता है तो ये लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए जैसे अक्सर पुराने टाइम पे ऐसा होता था कि टीचर्स या एट टाइम्स स्टूडेंट को बैड फील करो स्टूडेंट को ऐसा फील करो कि वो वर्स है उसको पढ़ाई नहीं आती कुछ भी नहीं आता उसे एकदम मतलब कुछ भी नहीं आता इस टाइप का उसे फील बैड करो और फिर बोलो नाउ टीचर इज़ अ सेवियर और वो आपको रेस्क्यू करेगा वो आपका सलेक्शन कराएगा एंड दिस एंड दैट इससे बेटर जो स्ट्रैटेजी होती है जो अपन फॉलो करते हैं वो ये होते हैं स्टूडेंट को एम्पावर करो स्टूडेंट को एम्पावर करो स्टूडेंट को स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप करो एक हेल्दी मोटिवेटिंग हेल्थी एटमॉस्फेयर प्रिपेयर करो स्टूडेंट जो प्रिपरेशन के लिए आ रहा है वो ऑलरेडी ट्वेंटी वन ईयर ओल्ड है ट्वेंटी ट्वेंटी वन प्लस है उसने स्कूल एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उसने कॉलेज एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो उसको सब आता है द आइडिया इज जस्ट उसको ब्रश अप करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन एक डिसिप्लिन लाना है स्टडी तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाती है जब स्टूडेंट को खुद इंटरेस्ट आता है वो प्रोएक्टिव होकर सीखने की कोशिश करता है इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आते हैं तो वी फॉलो दिस सेकंड सेकंड पाथ तो इससे क्या होता है स्टूडेंट का जो ओवरऑल इमोशनल कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं सेल्फ कॉन्फिडेंसी स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी डैमेज नहीं करना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ अवेयरनेस बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट ये जो प्रिलिम्स कोर्स है ना लास्ट टाइम भी हमने किया था इस बार भी कॉन्टिन्यू करेंगे हर स्टूडेंट से जिसने इस बैच में एनरोल कर रहा है वन ऑन वन टू वन सेशन होने वाला है अपना जिसमें केवल आप और मैं इंडिविजुअली ऐसे बात करेंगे डिस्कस करेंगे अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन ओके तो दिस इज अगेन आपको फ्रूटफुल रहेगा ये सेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस हो ईगरनेस टू लर्न हो एक्सट्रीमली यूजफुल होता है इन दिस हायर एजुकेशन एंड बियॉन्ड तो दिस इज देयर तो एजुकेटर्स को इन एरिया में फोकस करना चाहिए एक प्लेटफॉर्म एक फैसिलिटेटर की तरह काम करना चाहिए और जो फीडबैक्स होते हैं ये जरूरी होते हैं फीडबैक से फाइन ट्यून होता है फीडबैक अगर पॉजिटिव और एक्टिव और दिस सटल फीडबैक आप टाइमली फीडबैक उनको बता रहे हैं Teaching and learning can become a truly symbiotic relationship benefiting both students and tutors while providing more productive outcome for all stakeholders. Okay. So this is students and the science of feedback. डेजिगनेशन फेल्योर है यहाँ पर बात है चाइना का जो डिसीजन एंड जो टेर्रिज़म एक्टिविटीज़ हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेर्रज एक्टिविटीज़ हैं यू एन यू एन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो उस पर क्यों एक्शन नहीं ले पाती है चाइना एट टाइम्स वीटो लगा देता है पाँच कंट्रीज़ हैं जिनके पास वीटो पावर है ये परमानेंट मेंबर्स, है, मेंबर्स हैं परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के इसके अलावा और कितने मेंबर्स हो सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट और इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर है इंडिया का नॉन परमानेंट मेंबर का ड्यूरेशन क्या है कितने टाइम तक हम कितने साल के लिए इलेक्टेड हैं और क्या ये हम पहली बार यू के मेंबर बने इससे पहले किन और टर्म्स में इंडिया यू का पार्ट रहा है ट्राए आंसर यह है मॉनसून जिटर्स मॉनसून आ रहा है इंडिया में क्रॉप एग्रीकल्चर सब मॉनसून पे डिपेंडेंट होता है स्पेशली ख़ारीफ क्रॉप रेन सीजन वाली तो ड्रॉट्स जो हैं फ्रिक्वेंट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है आईएमडी ने इतने परसेंट डेफिसिट भी बताया इनिशियल फेज में नॉट गुड एक्चुअली जो मानसून है ना इसमें दो प्रॉब्लम हो रही है ओवरऑल तो हंड्रेड यूनिट चाहिए था आ जाएगा बट स्पेटियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन इज़ अ कॉज ऑफ वरी स्पेटियल मतलब जिस जगह बारिश नहीं होती थी वहां बहुत बारिश हो रही है जहाँ यूजली बारिश होनी चाहिए थी वहां पे बारिश नहीं हो रही है तो ये वेरिएशन आ रहा है टेम्पोरल मतलब हमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है जुलाई अगस्त जून जुलाई में क्योंकि अभी बुआई है फसल की बुआई है बट पानी अभी नहीं गिरेगा पानी गिरेगा सितंबर में तो उससे पूरा जो प्रोसेस है वो फेल हो जाता है फिर बाद वाला पानी इतना प्रोडक्टिव नहीं होता तो ये हो गया टेम्पोरल एंड स्पेटियल वेरिएशन ऑफ मानसून अब आईएमडी इसमें अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा है कि उसको प्रॉपरली ट्रैक करे और जो जो मानसून है उसके बारे में प्रिडिक्शन फोरकास्ट करे एग्रीकल्चर फेलियर होता है अगर मानसून प्रॉपर नहीं होता है ओके सो खिफ सीजन जो होता है वैसे भी राबी की क्रॉप ज्यादा सेफ होती है खारिफ की क्रॉप भी जो प्रधानमंत्री दिस, दिस इंश्योरेंस स्कीम है उसमें खारिफ के क्लेम्स ज्यादा आते हैं बिकॉज ये क्रॉप फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अब एक्सपेक्टेशंस हैं गुड मानसून इस बार होगा परजिस्टेंस ला नीना ला ला मतलब मानसून ला ला नीना तो ला नीना जब है तो ज्यादा पानी आएगा ला नीना अल नीनो मतलब जस्ट उल्टा कम पानी होगा तो ला नीना मतलब मोर रेन्स अल नीनो मतलब लेस रेन्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपल मतलब ज्यादा रेन होगी इंडिया में नेगेटिव होगा तो कम होगी तो अभी जो इक्वेशन बन रही है उसमें ला नीना है मतलब ज्यादा रेन बट साथ ही साथ नेगेटिव इंडियन ओशन डायपल बन रहा है तो ये कम रेन करेगा अब इन दोनों में से ज़्यादा डोमिनेट क्या करेगा विल we'll सी तो दिस इज देयर अभी इट्स टू अर्ली मॉनसून का भी ऑनसेट है मॉनसून जिटर्स इस पे भी हम एक आंसर राइटिंग करेंगे यहां बात है ईपीआई में रैंकल बट इंडिया कैन रीकास्ट पॉलिसीज सी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी रिलीज हुआ और उसके जो पैरामीटर्स थे इंडिया ने कहा कि ये पैरामीटर्स थोड़े बाइसड हैं दीज पैरामीटर्स आर बाइस्ड और इंडिया की रैंकिंग भी अच्छी नहीं आई है यहाँ पे तो इंडिया ने कहा ये जो पैरामीटर्स हैं ये प्राइमरली वेस्टर्न वर्ल्ड को फेवर करते हैं इंडिया का ट्रू डिपिक्शन नहीं है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो बताया गया इंडिया भी बहुत सारे एफर्ट्स कर रहा है एनवायरमेंट कंजर्वेशन की लेटेस्टली गवर्नमेंट ने तो उसको बोला है कि ये दिस दिस एंटायर रिपोर्ट इज़ फ्लॉड बाकी इसका बेसिक कुछ दिन पहले हमने देख लिया था व्हाट इज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स दैट्स ऑल इस पर अभी कोई ओपिनियन एज सच लेट अस वेट एंड वॉच यहाँ जो बात है अगेन सारे यही बताएं कि इंडिया ने एफर्ट्स भी किए हैं सोलर पावर में एफर्ट्स हैं हमारा जो पंचामृत अभी हमने ग्लासगो समिट में प्राइम मिनिस्टर ने बताया जैसे कि हम नेट न्यूट्रलिटी किस साल में अचीव करने वाले आंसर नेट न्यूट्रलिटी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो है हमने बताया एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए जो वर्क करेंगे ये सब बड़े अच्छे फॉर्डर मटेरियल होते हैं मेन्स एग्जामिनेशन में ये टाइप के फॉर्डर मटेरियल बड़े काम आते हैं आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है बट आपको आइडिया होना चाहिए वॉट इज वॉट और उसको कैसे सिंक करके आंसर में मैं फ्रेम कर पाऊँ ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड्स वहां पे दिखने चाहिए ओके okay? सो दिस इज अगेन पोलिटिकल दिस इज रिकोगनाइजिंग द कंपल्सरी विमेन वर्कर विमेन वर्क फोर्स को रिकोगशन मिले प्रजेंटेशन मिले दिस मेन स्ट्रीम वर्क में रिकोगनाइजिंग द कम्पल्सरी विमेन वर्कर देन पेटी पेटेंट्स कैन बूस्ट आर एंड डी आई पी आर अग्निपथ एंड दिस पेंशन ये यहाँ पर डिटेल्स है वेट एंड वॉच वेट एंड वॉच दैन दिस इज फ्यूरी ऑफ फ्लड्स फ्री फॉल ब्लेजिंग वाइल्ड फायर्स वाइल्ड फायर्स ओके सो दिस इज ब्लेजिंग वाइल्ड फायर्स माउंटेन रेंज नर्दन स्पेन में ये नर्दर्न स्पेन वाइल्ड फायर्स यहाँ एक कैटेलोनिया रीजन भी है यहाँ पे कैटेलोनिया रीजन यहाँ तो ये यह सवाल भी मैपिंग में आया गया है अब हम मैपिंग का कुछ ज्यादा ख्याल रखेंगे ऐसे पेपर में जो भी हमें कीवर्ड्स दिखते हैं प्लेसेस एंड न्यूज दिखता है विल प्रिपेयर अ एक सेपरेट एक्सेल शीट और ये एग्जाम टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा दिस दिस ईयर वी आर गोइंग टू डू दिस ओके दैन दिस इज डिलेज एंड एक्सपेंस इन फिशरमैन रिलीज्ड। ना दिस न्यूज इज अबाउट इंडियन इंटरेस्ट एट द डब्लू टी मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस डब्ल्यू टी मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना ये बड़ी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम ये होता है कि जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है व्यापार हो रहा है बिकॉज हर एक कंट्री तो इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड यूनिट होती नहीं है कुछ चीज़ प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है कुछ चीज़ का कंजम्पन यहाँ हो रहा है तो कुछ प्रोडक्ट ए से बी जाएगा और कुछ प्रोडक्ट से बी से ए जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है इसी को हम बोलते हैं ट्रेड इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ट्रेड एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हमारे कल्चर का तो अब ट्रेड को फैसिलिटेट कैसे करें एक प्लेटफॉर्म हो वर्ल्ड लेवल पे जो ट्रेड को फैसिलिटेट करे तो उसके लिए होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यहां पर अभी हुआ मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस की ट्वेल्थ आउटिंग तो इसको बोला गया एम सी ट्वेल्थ यहां बात हुआ कि जैसे कुछ दिनों से हम देख रहे हैं पेटेंट रेगुलेशन से रिलेटेड वैक्सीन इक्विटी हो जैसे कुछ बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने वैक्सीनेशन का पेटेंट रख रखा है उससे मास प्रोडक्शन वैक्सीनेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है जेनेरिक टाइप सो उसमें पेटेंट का वेवर मिले ये इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने डिमांड किया था फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सब्सिडीज़ जो फिशरीज़ को दी जाती है फिशरीज बिकॉज जो सी फूड है ये एक मेजर पार्ट होता है डाइट्री का मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो फूड सिक्योरिटी सब्सिडी टू फिशरी और जो मॉरेटोरियम रेलेवेंट टू ई कॉमर्स ई कॉमर्स कंपनीज क्या होती हैं जैसे जैसे Flipkart है फ्लिपकार्ट इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसी जो कंपनीज हैं ई कॉमर्स कंपनी इनका जो ट्रेड होता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है इनको कैसे डील किया जाए क्योंकि दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ ट्रेड इन सब पे बातें हुई अभी मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस ट्वेल्व में डायरेक्टर जनरल अब इनका नाम याद रखना है एनकोजी ओकोंजो इवेला इसको नाम दिया गया जीनीवा पैकेज आप हैं एनगोजी इवेला ओके डब्ल्यूटीओ तो डब्ल्यू की मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस हुआ यहाँ पे हर दो साल में होती है टॉप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वेरी टॉप ऑफ डब्ल्यू में होता है एम सी ऑर्गेनाइजेशन का अब इस कॉन्फ्रेंस में डब्ल्यू ऐसे डिफरेंट है कि डब्ल्यू में जो भी डिसीजन होते हैं वो कंसेंसस बेस्ड होते हैं बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक डब तो यहाँ एक डेडिकेटेड जैसे यूएनएससी है यूएनएससी डिसीज़न ले रहा है सिमिलरली आईएमएफ में एक दिस डेजिग्नेशन डेलीगेट कर रखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसीज़न मेकिंग डब्ल्यू में ऐसा नहीं है डब्ल्यू में क्या होता है जो मेम्बर्स हैं वो मिलकर कॉन्फ्रेंस में आते हैं कंसेंसस बेस्ड डिसीज़न होता है तो यहाँ डेमोक्रेसी ज़्यादा है तो यहाँ अब बात हो रही है जीनीवा पैकेज और ये जो चैलेंजेस वर्ड आज देख रहा है ट्रेड रिलेटेड उसको कैसे ओवरकम किया जाए बिकॉज यू नो जब से जैसे इंडिया में भी 1991 एलपीजी हुआ रिफॉर्म होने के कारण इंडिया में भी रिफॉर्म्स हुए एलपीजी तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है ऑल दो हम सेल्फ रिलायंट की बात कर रहे हैं बट ग्लोबलाइजेशन इज नेसेसिटी और वो तभी प्रॉपर हो पाएगा जब डब्ल्यू ट्रेड के बैरियर्स चाहे स्ट्रक्चरल हो या नॉन स्ट्रक्चरल टैरिफ हो इन सबको करेक्ट करें ओके okay? जैसे इंडिया ने अभी वीट भेजा उसमें कुछ उन्होंने दिस ऑब्जेक्शन उठाया या फिर इंडिया को कुछ प्रोडक्ट्स बुलाने होते हैं तो चाइना डंपिंग करने की कोशिश करता है तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं ये जो चीजें हैं इस पे वर्कआउट करने के लिए डब्ल्यू को ये सारी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है नेगोशिएट होता है कई बार ह्यूमैनिटेरियन एंगल देखा जाता है तो वहाँ फिर प्रॉफिट लॉस की बात नहीं होती वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एंगल फर्स्ट हो जाता है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का क्या होगा सब्सिडी होती है जैसे तीन कलर सब्सिडी होती है आंसर कौन कौन सी है अंबर ग्रीन ब्लू ऐसे सब्सिडी पड़ा था ना ये क्या होती है डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडी आंसर फेवरेट एरिया है सवाल आते हैं प्लस लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनके राइट्स कैसे सेफ किए जाए डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाया जाए ये सब मुद्दे हैं देन यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने फिश स्टॉक थ्रेटन्स टू वर्जन पॉवर्टी इन एंडेंजर कम्युनिटी दैट रिलाई ऑन एक्वेटिक क्रीचर्स फॉर देयर लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी तो फिश अगर स्टॉक कम होगा तो एक बहुत बड़ा फूड सिक्योरिटी का थ्रेट आना है तो इनमें कैसे वर्कआउट किया जाए ये सब यहाँ पे बात हो ओके सो दिस इज द एक और टर्म यहाँ पे यूज हुआ है जैसे कस्टम ड्यूटी लगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन जैसे ई e कॉमर्स हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन क्या होता है जैसे ऑनलाइन डिलीवरी म्यूज़िक कहीं यूएसए में बना कंजम्पशन इंडिया में हो रहा है ई बुक फिल्म सॉफ्टवेयर वीडियो गेम्स इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है इनको कैसे डील किया जाए फिर साउथ अफ्रीका और इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली बोला गया है बोला है दिस वेवर ऑफ वैक्सीनेशन पेटेंट तो ये रेगुलर यहाँ पे टॉक्स हुए इस टॉपिक को भी हम एक बार फिर से देखेंगे और एक अच्छा नोट बनाएंगे ये जब अपन मेंस में स्पेसिफिक क्वेश्चंस पिक करेंगे दिस प्रीवियस ईयर के बिकॉज ये जो डब्ल्यू टी ओ है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन ऑक्शनिंग 5G जी स्पैक्ट्रम बोर्ड यहाँ जो प्राइमरली बात हो रही है 5G जी इज़ अ गेम चेंजर देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट फाइव को अफोर्डेबल कैसे रखें और पूरी प्रोसेस को प्रॉफिटेबल कैसे रखें ताकि जो गवर्नमेंट है उसको भी प्रॉफ़िट हो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी हो तो एक वेल well बैलेंस्ड 5G का रोल आउट कैसे हो इस बात पे बातें हो रही है तो लेट सी यहाँ पे भी अभी बहुत अर्ली है ये सारी न्यूज कमर्शियल रोल आउट हैपन है प्लैंड है अगस्त सितंबर तक आ जाएगा इसको और डिटेल में फिर हम देखेंगे की इश्यूज अभी यही है एक तो प्राइसिंग दूसरा जो कैप्टिव फाइव देने की बात है प्राइवेट एरियाज में उसको कैसे कंसिडर किया जाए बाकी इंडस्ट्री फोर है इंडस्ट्री फोर पॉइंट क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिव हेल्थ केयर ये सब डिवाइसेज आपस में इंटरकनेक्टेड है मशीन्स बहुत ज्यादा स्मार्ट हो रही है दिस इज इंडस्ट्री फोर पॉइंट ओ तो बोलते थे मशीन डम्ब है अब ऐसा नहीं है मशीन इवन हमको भी सरपास कर सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटसेट्रा ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी सो दिस इज दैट दैन मिक्स रियालिटी हैज अ ब्लर्ड विजन दिस इज लाइक जो गूगल ग्लासेज हैं अभी एप्पल भी कुछ प्लान करने वाला है दिस मिक्सड रियालिटी वर्चुअल रियालिटी दिस इज़ हैवन गॉड अ बीन ऑन मी ये जो है ये डेली इंग्लिश है इंग्लिश में हमें बहुत एक्स्ट्रॉडनरी एफर्ट्स नहीं करना चाहिए वर्केबल इंग्लिश होना चाहिए प्लस कोशिश करना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रिफाइन हो रिफाइन हो बिकॉज लैंग्वेज इज समिंग परफेक्शन तो कभी आता नहीं है आपको जस्ट रिफाइन करना है कॉन्टीन्यूसली जैसे ये है नोज़ इज़ अनियन्स सम्बडी नोज इज़ अनियन्स मतलब वो बहुत नॉलेजबल है उस फील्ड में जब हम बोलते हैं यू डोंट हैव अ बीन मतलब यू हैव लिटिल मनी और नो मनी बीन्स अगर इनफॉर्मल एक्सप्रेशन की तरह यूज कर रहे हैं मतलब समबडीज सो फुल ऑफ एनर्जी सम वन हुज़ फुल ऑफ एनर्जी लाइफ इज लाइक एन अनियन यू पील ऑफ लेयर आफ्टर लेयर एंड देन यू फाइंड देर इज नथिंग इन इट तो देट इज़ वाई सीरियस नहीं होना चाहिए सीरियस नहीं है लाइफ को ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए देन दिस इज वी आई पी विजिटर्स फ्लॉक टू प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम दिस इज अप्रैल ट्वेंटी फर्स्ट को ये ओपन हुआ है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम त्रिमूर्ति भवन इंडिया बांग्लादेश शुड वर्क ऑन रिवर मैनेजमेंट अब जैसे बांग्लादेश है बांग्लादेश क्या है एक फ्लैट प्लेन है बांग्लादेश डिपॉजिट ऑफ रिवर से बनाए जैसे कि इंडिया की गंगा एंड ब्रह्मपुत्र देर आर अदर रीजन अदर रिवर्स एज वेल जो नॉर्थ ईस्ट से, से बांग्लादेश जा रही है और फिर वहां से बे ऑफ बंगाल जा रही है तो इन रिवर्स को मैनेजमेंट की बात है फ्लड फ्लड को कैसे मैनेज करें बिकॉज बांग्लादेश भी फ्लैट है यहाँ पे फ्लडिंग बड़ी कॉमन सीनारियो रहता है यहाँ पे इनके एड्रेस की बात है

यूक्रेन वॉर कॉस्ट लास्ट ईयर अब ये इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा श्रीलंकन ट्रूप्स ओपन फायर दिस प्रोटेस्ट देन एप्पल वर्कर मैक्रो दिस मेजोरिटी पार्लियामेंट मेजोरिटी लूज एंड दिस इज स्पोर्ट्स ऑल राइट सो दिस इज द हिंदू न्यूजपेपर। इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा बिफोर दैट एम का सी अब ये देखो कितने अच्छे विजुअल्स हैं ऐसे आप नाम याद रखो याद नहीं होगा बट इसको विजुअलाइज कर लिया जैसे मिजोरम का दिस इज बर्ड है दिस दिस इज इज नॉन जिम फीजेंट तो ये बर्ड है ये स्टेट बर्ड है मिजोरम का सी बर्ड देन ये क्या है ये फ्लावर है रेड वांडा रेड वांडा स्टेट फ्लावर देन दिस इज मिजोरम ऐसा देखते हैं सैरो तो सैरो ऐसा दिखता है इस टाइप का दिखता है ओके okay. का आयरन उड दिस आयरन उड तो ये ऐसे इसके ट्री होते हैं एक रेड सेंडर्स भी बहुत न्यूज में बना हुआ है ये किस जगह मिलता है टेल रेड सेंडर्स ओके सो दिस इज दिस इज मिजोरम इस तरीके से हम वन बाय वन सारे स्टेट देखेंगे ऑल राइट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ